हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिप्स क्रिएटिव आर्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ 3 ऐसे मैजिकल आइडियाज जिनमें आप दिवाली के दिन तुरंत से बहुत ही प्यारे डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक ड्राई फ्रूट बॉक्स था जो लास्ट ईयर दिवाली पर मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, तो मैं इसके ये सारे स्क्रूज ओपन करके इसके बॉक्स एंड लिड को सेपरेट कर लूँगी और उन दोनों से मैं बनाऊंगी बहुत ही प्यारे डेकोरेटिव आइटम्स। एंड स्क्रूज को मैंने संभाल कर रख लिया है क्योंकि मैं आगे इसको किसी और यूज में ले सकती हूँ। बॉक्स में मैंने पॉटपूरी फिल किया है फ्रेंड्स, और इसको अब आप टी कैंडल्स, कैंडल्स, दियास, किसी भी चीज के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो रियल फ्लावर्स का यूज भी कर सकते हैं इसमें फिलिंग के लिए, या फिर आप स्टोन्स यूज कर सकते हैं, पर्ल्स यूज कर सकते हैं। एंड जिस बॉक्स का लिड था फ्रेंड्स, उसको हम वेरियस वेज में एक डिस्प्ले ट्रे की तरह यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हमारे एक ही बॉक्स से दो बहुत ही प्यारे डेकोरेटिव आइटम्स बन जाते हैं दिवाली के लिए। बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स दिया होल्डर्स। तो ये एक फोम शीट का कैप था बच्चों के पास, जिसको मैंने ओपन किया और इस तरह के 4 कार्डबोर्ड के सर्कल लिए, और इस फोम शीट से मैं इसी तरह के 4 सर्कुलर पीसेस निकाल लूंगी। अब इन पीसेस को मैं फेविकॉल की हेल्प से कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर दूंगी। एंड साइड्स पर फ्रेंड्स, हम कोई भी लेस जो भी आपके पास पड़ी हो उसको फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। एंड योर दिया होल्डर, कैंडल होल्डर इज रेडी। और अगर आपके पास इस तरह की फोम शीट नहीं है तो आप कोई कलर्ड प्रिंटेड पेपर भी यूज कर सकते हैं और आराम से इसको दिवाली के दिन भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। थर्ड हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स आम की पत्ती और फ्लावर से डेकोरेटिव आइटम, जिसे आप चाहें तो तोरण भी बना सकते हैं। मैंने तो सिर्फ फ्लावर्स ही बनाए हैं। एक सर्कुलर कार्डबोर्ड पर इस तरह से आप मैंगो लीव्स को स्टेपल कर दीजिए एंड उसके बाद सेंटर के पोर्शन में फेविकोल लगाकर आप फ्लावर्स को पेस्ट कर दीजिए और उनको ड्राई होने रख दीजिए। और अगर आपको इंस्टेंट पेस्ट करना है वॉल के ऊपर या जहां पर भी आप डेकोरेट करना चाहते हैं, तो फ्लावर्स के लिए आप डबल टेप का यूज करें फ्रेंड्स, क्योंकि फेविकॉल को थोड़ा ड्राई होने में टाइम लगेगा और फ्लावर्स थोड़ा स्टिक होने के लिए टाइम लेंगे। और इसको डबल टेप की हेल्प से जहां पर भी आप चाहें पेस्ट कर दें।